तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे DLED सत्र 2022-24 के नामांकन के लिए जो रिजल्ट आया उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे बताएंगे उसमें किस रैंक वाले का एडमिशन करवाना होगा, तो किसका नहीं काउंसलिंग करवाना है, नहीं करवाना है, कितना नंबर पे काउंसलिंग होगा, सारा डिटेल्स हम यहाँ पे बताएंगे, और कौन से कॉलेज में होगा, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में कितना सीट है, और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो सारा हम इसमें बता देंगे। EBC और जनरल कैटेगरी ये तीनों का बता देंगे, तो इसके लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउनलोड का, तो इस पर क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट आप आ जाइएगा इस वेबसाइट पे, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो जैसे ही इस वेबसाइट पे आइएगा तो उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड स्कोर कार्ड, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो पॉपअप में डाउनलोड का आ जाएगा। तो उसके बाद आगे आप देखिए क्या करना है। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह का होगा, यहाँ पे जेंडर दिखा जाएगा, कैटेगरी आ जाएगा वहाँ पे ऑब्टेंट स्कोर, और उसके बाद ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक। तो ये तीनों हम बताएंगे किस रैंक वाले का काउंसलिंग करवाना है, किस में नहीं करवाना है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो ये तीनों इसी पे डिपेंड करता है, ऑब्टेंट स्कोर और ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक, ये तीनों को अब कैसे हम पता करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे अब आगे बताते हैं। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए वो तीनों जो हम बताए थे यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं ओवरऑल रैंक, तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या है, तो यहाँ पे हम बता देते हैं, इसमें देख लीजिए आप। सबसे पहले ये जो है इसमें जो होगा बिहार में आपका कितना रैंक है वो दिखाएगा, पूरा स्टूडेंट जितना भी ऑल कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें से आपका रैंक जितना होगा वो इसमें दिखाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया, और दूसरा आप देख लीजिए यहाँ पे कैटेगरी का रैंक, और नीचे हो जाएगा स्कोर। तो इसमें देखिए सबसे मेन आती है ये जो है इसका आपका ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए जितना आप क्वेश्चन बनाए होंगे ऑल क्वेश्चन, उसमें आपको जितना नंबर मिला है वो इसमें आएगा, और यहाँ पे देखिए कैटेगरी रैंक, आप जिस भी कैटेगरी के हैं BC या फिर SC ST जिस भी कैटेगरी के हैं उसमें आपको कितना रैंक मिला है स्टूडेंट में, ऑल स्टूडेंट में जितना भी रैंक मिला है यहाँ पे इसमें आ जाएगा। तो अब मेन बात आती है इसमें, अगर इसमें ज़्यादा नंबर है कम नंबर है अगर इसमें, तो ये दोनों जो है इस दोनों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर आ जाएगा 20,000 30,000, किसी में लाख हो जाती है, तो इस तरह लाख भी हो जाती है, तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कितना पे कितना सीट मिलेगा वो भी हम बता दे रहे हैं अभी, और जनरल वाले को कितना नंबर पे है, और OBC BC ST ये सब का हम दिखा देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब आगे हम बताते हैं, तो इसमें जो है पास और फेल नहीं होता, तो ये बात आप ध्यान रखें, पास या फेल नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें। तो इसमें अब यहाँ पे देखिए, तो पूरा एग्ज़ाम जो था 350 नंबर का था, और यहाँ पे देखिए कैटेगरी, और यहाँ पे इधर लिखते हैं कट ऑफ, तो इधर देखिए कैटेगरी में जनरल वाले, जनरल वाले का जो है 270 से 280 के बीच रहेगा, तो इसको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा है कम है, तो इसमें देखिए इससे ज़्यादा है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, और उसके बाद डेट कॉलेज मिल जाएगा, तो हम सब बता देंगे पूरा, आप देखिए। उसके बाद अब आ गया EWS, इसमें जो है 240 से 250 नंबर वाले का है, इससे ज़्यादा है तो उसके लिए क्या करना है, तो ये हम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बता रहे हैं अभी। तो उसके बाद BC, और इधर हो गया SC ST और PH, और उसके बाद यहाँ पर हो गया EBC। तो देख लीजिए अब BC में देख लीजिए, BC वाले का जो है
260 से 265, और उसके बाद एससी वाले का 230 से 240, और यहाँ पे फिर हो गया एसटी वाले का तो 210 प्लस, उसके बाद पीएच तो 185 प्लस, अगर इससे कम है तो नहीं हो पाएगा, इससे कम है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं ले सकते हैं, ज़्यादा तो होगा ही, निश्चित ही है। कम से कम का रैंक यहाँ पे दिया गया है, और थोड़ा बहुत कम है तो वो भी छूट मिलेगी, तो आगे हम बता दे रहे हैं किसको किसको छूट मिलेगी। और ईवीसी जो है इसमें 250 से 260 ये हो गया, तो इतना आप देख लीजिए, ये हो गया कैटेगरी वाइज हो गया गवर्नमेंट कॉलेज का। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं कॉलेज, कितने कॉलेज हैं और किसमें कितना सीट है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अब इधर देख लेते हैं कॉलेज का, तो यहाँ पे कॉलेज, तो यहाँ पे देखिए तीन भाग में कॉलेज है, पहला हो जाएगा डेट कॉलेज, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज, कितना कॉलेज है वो हम अभी बताते हैं, और प्राइवेट। तो ये तीनों कॉलेज हैं, और किस में कितना सीट है वो देखिए हम, तो इसमें डेट कॉलेज में देख लीजिए, इसमें 306 कॉलेज हैं, ऐसे कॉलेज 306 हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज है 54 यानी 54 है, और प्राइवेट कॉलेज 252 यानी 252, इतने कॉलेज हैं। तो आप ये कॉलेज लिस्ट हो गया, ये कॉलेज लिस्ट के बाद, और यहाँ पे किसको कितना छूट मिलेगा इसमें देख लीजिए, फीमेल कैंडिडेट, तो यहाँ पे जितने भी फीमेल हैं, फीमेल के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट है, तो 5 से 10 नंबर तक का छूट मिल सकती है, छूट मिलेगी 5 से 10 नंबर का फीमेल के लिए ओनली। और उसके बाद आगे अब सीट कब आता जाती है, कितना सीट कौन से कॉलेज में है, तो सीट देख लीजिए यहाँ पे, तो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो है सीट 9100 है, और प्राइवेट में जो है 21600 सीट है। और इसमें जो टोटल अब देख लीजिए, यहाँ पे टोटल करेंगे तो इसमें हो जाएगी 30700, तो टोटल इतना, और जो एग्ज़ाम दिए थे एग्ज़ाम तो 1 लाख प्लस एग्ज़ाम दिए, तो यहाँ पे देखिए सारा का एडमिशन नामुमकिन है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और उसके बाद अब यहाँ पे आगे बताते हैं, आगे जो है डॉक्यूमेंट, अगर इसमें से आपको मन है यहाँ पे करवाने का, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए, तो डॉक्यूमेंट में इसमें देख लीजिए आप, पहला लगेगा प्रिंट आउट फॉर्म, जो आप अप्लाई किए थे उसका प्रिंट आउट लगेगा, फिर यहाँ पे डीएलएड का जो एडमिट कार्ड था, एडमिट कार्ड, तो ये लग जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए 12th मार्कशीट, और 12th का एडमिट कार्ड, टेंथ मार्कशीट, और टेंथ का एडमिट कार्ड, और कास्ट हिसाब से यहाँ पे जाति आय आवासीय, ये तीनों लग जाएंगे।
और इसको कैसे बनाना है वो वीडियो पहले ही बना चुके हैं, तो देख लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे आप CLC, फिर उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड लग जाएगा, और 5 जो है फ़ोटो लग जाएगा रिसेंट का, जो इधर का ही होना ज़रूरी है। तो इतना आप देख लीजिए, ये सब लगेगा। तो ये सब होना ज़रूरी है, इतना आप देख लीजिए। तो आप यहाँ पे क्लियर हो गया है, कॉलेज यहाँ पे देख लीजिए, इतना कॉलेज है, और इसके बाद यहाँ पे सीट कितना है, तो 30,700। तो इस हिसाब से आप अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग का डेट जब निकलेगी वो वीडियो बना दी जाएगी, और ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं।